हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और अब कोशिश रहेगी कि रेगुलरली इस चैनल पे वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहें, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों की तरफ से, मोस्टली सेवन्थ क्लास के बच्चों की तरफ से। और कुछ रिक्वायरमेंट भी आ रही है कि सर प्लीज़ इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि रेगुलरली वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अब एक रिक्वायरमेंट थी कि एक्सरसाइज 5.2 यानी क्लास सेवन्थ की कोडवा की जो मैथ्स बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.2 से फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करना है, राइट। सो मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूँगा ये इस तरह से कि सारे क्वेश्चन ग्रेजुअली धीरे धीरे अपलोड होते रहें चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को सोल्व करते हैं। इसमें ये लिखा है कि What should be added to 5.6 to get 41/24? तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये होगा कि हमें क्या ऐड करना है, यानी कि हम 5.6 में कुछ ऐड करें, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए बॉक्स में एक नंबर आएगा, वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा वो नंबर कि इसका आंसर इस तरह से 41/24 हो। तो इसको सॉल्व ऐसे करना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ओके, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, इसके बाद में हम लिखेंगे देन 5/6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41/24। अब देखो ये ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने भाई लिखा है यहाँ पर, ये वाला, ये स्टेटमेंट यानी कि इक्वेशन आपको नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि ना करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, हम क्या चाहते हैं। तो ऐसा नंबर पता करना है जो 5.6 के एड साथ में ऐड करें हम, तो हमारा आंसर आए 41/24, ठीक है। अब ये स्टेप्स आपको लिखनी है। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो लेफ्ट में जो वैल्यू होती है वो राइट साइड में आके और वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, करेक्ट, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ऑलरेडी अगर वो नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आप जानते हो अच्छे से कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। तो एलसीएम हो गया यहाँ पर 24, यहाँ पर आ जाएगा 41 माइनस और 6/4 जा, तो ये होगा 5/4 जा 20, राइट। और ये हो गया हमारा 21/24। तो इस तरह से क्या आंसर हो जाता है इसका, 21/24। बट एक बात हमें देखनी है कि क्या ये नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल हैं, तो हमें देखना है किसकी टेबल में आते हैं, ठीक है ना। देखो 2 की टेबल में तो दोनों नंबर नहीं आएंगे बिकॉज 21 ऑड नंबर है। तो 3 से हम ट्राई करें तो ये हो सकता है, 3 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये 3/7 जा 21 और ये 3/8 जा 24, तो नंबर क्या हो जाएगा 7/8। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट शुड बी एडेड, हैंस रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज 7/8। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये हो गया क्वेश्चन फोर का आंसर 7/8, राइट। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर आपको वो सारी वीडियोज मिलते रहें जो पहले अपलोड नहीं हुए थे और जिनकी रिक्वायरमेंट आपको है, राइट। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।